Hello students, so welcome to Maxwell Study Hub. So today we'll be learning our second chapter of Unit 2 of Standard 8 English, that is Nature created man and woman as equals. ठीक है, अभी आप लोग तो ये सोच में पड़ जाओगे कि सर भला नेचर कैसे मैन और वुमन में इक्वालिटी ला सकता है, वो तो इंसान ही कर सकता है क्योंकि हम लोग को लॉज नहीं मिल लॉज दे सकता है, वोटिंग राइट्स दे सकता है. ठीक है, लेकिन भला नेचर कैसे कर सकता है ये सब. ठीक है, वो हम लोग अभी ये चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक, चलिए शुरू करते. द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल. इट नेसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ अ क्रिस्टल क्लियर वाटर. द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे. ओके, देर इज अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विथ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस. ठीक है, a garden is in the front of the house, trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits growing on all sides of the house. ठीक है, अभी जो पहला पैराग्राफ है इसमें हम लोग को ये बताया है कि एक जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, जैसे कि आप एक बोल सकते हो इधर एक हाउस बोला है. ठीक है, अभी एक हाउस है मतलब एक घर है. ठीक है, उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो कैसा है ना कि एक साइट ऑफ पीस है, मतलब कि एक मतलब कि शांति का एक क्या बोलते हैं शांति का नज़ारा है उसमें जब भी सुबह होती है. क्यों ऐसा, क्योंकि इट नेसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. मतलब कि वो जो घर है वो एक स्ट्रीम के बाजू में, स्ट्रीम यानी कि आप लोग बोल सकते हो झरना. ठीक है, तो झरने के बाजू में वो घर है, मतलब कि झरना के जस्ट रिवर बैंक पे ही वो घर है जिधर क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्लो होता है, मतलब कि बहुत ही साफ सुथरा पानी वहाँ पे फ्लो होता है. ओके, अभी देखो द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्राउंड ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे. अभी देखो जो स्ट्रीम है वो टम्बल करता है, मतलब कि वो जो पानी है बराबर ना वो पूरा गिर जाता है ग्रीन माउंटेन्स के थ्रू. मतलब कि आप अगर इमेजिन करोगे एक वाटरफॉल, वाटरफॉल कैसा रहता है कि पहाड़ पे एक ऐसा फ्लोर एक्सट्रीम रहता है ना पानी का, मतलब कि पानी गिर रहा है पहाड़ से. ठीक है, वैसे ही इमेजिन करके उसने बोला कि ग्रीन माउंटेन है उसमें से स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, टम्बल्स का मतलब होता है कि टू फॉल ऑफ. ठीक है, टम्बल का अगर आपको मीनिंग चाहिए तो टम्बल का मतलब है टू फॉल डाउन. ओके, देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विद येलो मस्टर्ड फ्लावर्स बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस. अभी जो माउंटेन रेंज है और जो हाउस है उसके बीच में बहुत बड़ा एक जमीन है, मतलब कि एकर्स मतलब बोल सकते हो एक मेजरमेंट होता है. अभी देखो इसमें रखा रहेगा हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, एकर्स एक मेजरमेंट है, मतलब हंड्रेड मतलब कि हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं बीघा जमीन, हम लोग बोलते हैं ना 2 बीघा जमीन 3 बीघा जमीन. ठीक है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में एकर्स बोलते हैं. एकर्स मतलब एक मेजरमेंट होता है लैंड्स का, और माउंटेन रेंज और हाउस के बीच में एक क्या बोलते हैं मस्टर्ड फ्लावर्स, हम लोग को जिसको बोलते हैं सरसों का फूल बोलते हैं ना, सरसों का फूल वो पूरा बिखरा हुआ है. ठीक है, ये वाला माउंटेन और घर के बीच में. ठीक है, अ गार्डन इज द फ्रंट ऑफ द हाउस, ट्रीज ऑफ मेनी काइंड बेरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड ऑफ द हाउस. अभी वो जो हाउस है उसके सामने एक गार्डन है. ठीक है, और वो गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो फ्लावर्स बेयर करते हैं, मतलब उसमें फ्लावर्स उगते हैं. और उसका कैसा है कि बहुत सारे अलग अलग ह्यूज और टिंट्स रहते हैं. ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग शेड्स कलर के. ठीक है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड ह्यूज. ठीक है, और फ्रूट्स भी उस पर बेयर करते हैं. ठीक है, मतलब कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ से एकदम सुंदर सा एक घर का वर्णन किया गया है कि एक घर है उसके बाजू में एक झरना बह रही है बराबर ना, और उसके जस्ट वो जो माउंटेन रेंज और घर के बीच में बहुत सारा क्या बोलते हैं येलो मस्टर्ड फ्लावर्स, मतलब कि सरसों के फूल है वहाँ पे. ठीक है, तो फिर वो पूरा बिखरा हुआ है. ठीक है, और वो जो हाउस है उसके सामने एक गार्डन है, और वो गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स है. ठीक है, और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स भी है. ओके, द कोर्टयार्ड स्मेल ऑफ जैस्मिन विच ब्लूम्स इन द बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स, द फ्रेगरेंस मिंगल्स विद अ थिन स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम अ स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक, द बर्निंग इंसेंस स्टिक आर ग्लोइंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. अभी देखो पूरे जो आंगन है उसमें ना क्या बोलते हैं जैस्मिन है ना, जैस्मिन का जो फ्लावर है उसका बहुत अच्छा स्मेल होता है. ठीक है, तो उसका जो फ्रेगरेंस है वो पूरे आंगन में छा जाता है, और ऊपर उसके साथ साथ
क्या बोलते हैं, एक हल्का सा स्मोक, मतलब कि आप अगर बोलो इंसेंस स्टिक इधर दिया रहेगा, देखो इंसेंस स्टिक का मतलब होता है आप लोग जो बोलते हैं अगरबत्ती, ठीक है। अभी अगरबत्ती का जो स्मोक रहता है वो थिक नहीं होता, थिन रहता है, मतलब थिक थिन स्मोक में एक जैस्मिन का जो स्मेल आता है उससे क्या होता था कि और भी ज़्यादा एनरिचिंग हो जाता है वो एक्सपीरियंस, क्योंकि बोलूँ एक अच्छा, अभी देखो अगरबत्ती का नॉर्मल स्मेल अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं कि गंदा स्मेल होता है, अगरबत्ती का जो स्मेल होता है अच्छा होता है, ऊपर से आप जैस्मिन उसमें ऐड करोगे तो फिर वो तो क्या बोलते हैं एक एनरिचिंग स्मेल हो जाएगा, मतलब कि ऐसा स्मेल जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसमें बहुत क्या बोलते बहुत ये एनरिचमेंट है उसमें, ठीक है। एंड द बर्निंग इंसेंस का ग्लोइंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड, ऑल्टर ऑफ द गॉड मतलब कि आप जो हम लोग बोल सकते हो कि एक क्या बोलते हैं एक कोई स्टैचू या फिर एक कुछ जो चीज़ जो रिजेंबल करता है गॉड उसको बोलते हैं ऑल्टर को, मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो कोर्ट यार्ड में बेसिकली हिंदू लोगों का ये रखना एक क्या बोलते हैं प्रथा रही है कि तुलसी का बगीचा, बराबर ना, आप कैसे आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा के रखते हो, बराबर ना, और उसकी पूजा करते हो शाम को, वैसे ही सेम वही सेम ये एग्जाम्पल बताए ऑल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ कोर्ट यार्ड, ठीक है। अभी जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई देखो अशान बी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल, शी इज अ मिडिल एज मर्दर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड अ वुमन्स राइट्स एक्टिविस्ट, लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी लुक्स शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड। अभी देखो इसमें बाद में एक अभी एक ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन दिया है जिसका नाम है अशान बी, ठीक है, वो एक क्या मिडिल एज मदर है और वो एक आर्टिकल लिख रही है, ठीक है, और उस पर और इधर दूसरा एक पर्सन के बारे में बताया गया जो कि है लैंथोई, उसका जो सबसे यंगेस्ट डॉटर है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही थॉटफुल है, ठीक है, और वो एक दिन थॉटफुल लग रही थी और उसने अपने मम्मी के बाजू में बैठ के उससे बात किया, बराबर ना, एट द साइट ऑफ अ चाइल्ड अशान बी लविंगली आस्क हैव यू फिनिश्ड योर स्टडीज माई डियर, येस मदर आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, टूडे बींग संडे आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अशान भी जो उसकी मॉम है उसकी मॉम उसको पूछती है कि बेटा तुम्हारा पढ़ाई हो गया है, बोले कि हाँ मेरा पढ़ाई तो हो गया है और अभी हालांकि अभी संडे है, ठीक है, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ, ठीक है, वो ऐसा लैंथोई बोल रही थी। लैंथोई सेज एंड वेट्स फॉर अ मदर्स रिस्पॉन्स, टेल मी वॉट यू वॉन्ट टू डू, अशान भी अस्कर आस्कर क्वाइट अम्यूज, मदर टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन द सिंपोजियम इन आर स्कूल, ठीक है। अभी देखो वो बोल रही है कि मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग करने का है, ठीक है, तो मम्मी उसकी जो मॉम है वो बोलती है कि क्या करना चाहती हो तुम, ठीक है, तो बोलती है कि मैं ना क्या बोलते लिली सिरोई लिली हाउस का क्या बोलते हैं हाउस का जो ये क्या बोलते प्रोग्राम है उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एज अ स्पीकर, मतलब कि उसमें वो जो इवेंट है सिरोई लिली हाउस का, लिली हाउस में, ठीक है, उसमें एक इवेंट होने वाला था, उसमें वो स्पीकर के तौर पर उसको क्या बोलते हैं पार्ट लेना था, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही थी, अरे सिंपोजियम हाउस को, सिंपोजियम मतलब मीटिंग एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके, मतलब कि एक ऐसा क्या बोलते हैं एक ऐसा सिंपोजियम, मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स है जो कि वो रिलेटेड फील्ड्स है, जैसे कि अभी ये जो सिरोई लिली हाउस है ये बेसिकली आप लोगों को नेचर के बारे में बताया, तो फिर उधर जो जितने भी सब नेचुरलिस्ट बायो बोटैनिस्ट है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट है उन लोग एक साथ बैठ के क्या बोलते हैं डिस्कशन करेंगे और उसमें वो एक स्पीकर है, कौन, लैंथोई, ओके। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमन एज इक्वल्स, विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी, लैंथोई प्रेसेस ऑन अ मदर, ठीक है। अभी देखो वो बोल रहे कि मेरा टॉपिक ये है गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स, ठीक है, और वो अपनी मम्मी से बोल रहे कि क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कशन करोगे उसके बारे में, वो मम्मी को क्या बोलते मजबूर करी थी उसको कराने में, ठीक है, मतलब मजबूर करी थी कि बोल रहे कि मम्मी मेरे को बदले में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए ना मम्मी, ठीक है, तो इतने में अगर कुछ डाउट रहा तो आप बोल सकते हो कि इतने में अगर कुछ मीनिंग नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ओके। लैंथोई हैड जस्ट हैड अ डिस्कशन विद अ फादर ऑन द टॉपिक, टॉम बा हर फादर इज अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड लविंग फादर, ही इज अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन, ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ द टू डॉटर्स एंड द सन,
इन अ टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, अभी देखो उसकी मोम को तो इतना पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है, तो उसके अपने डैड के पास गया। डैड का नाम है टॉम बार, ठीक है, तो वो उनके जो डैड है बहुत ही लविंग फादर है और एक लॉयर भी है, ठीक है, मतलब कि वो बेसिकली ह्यूमन, ये क्या बोलते हैं, वुमेंस राइट्स के ऊपर बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत केस लड़े हैं वुमेंस राइट्स के ऊपर, ठीक है, और वो कभी कभार अपने जो वाइफ है जो कि अशान भी है, मतलब कि उसकी मम्मी है लेंथोई की, उसको सपोर्ट करती है उसके जो एक्टिविटीज़ रहते हैं ना सोशल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो वो उसमें सपोर्ट करती है। अभी देखो इन द टाइम्स ऑफ न्यू एक्सेलेंस हेल्पिंग हैंड टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपना हेल्पिंग हैंड, मतलब कि वो मदद के लिए हमेशा उतर आते नीचे, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो या सोसाइटी हो। ओके, ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड अ वुमेंस वर्क एनीवेयर, ठीक है, ये कभी वो कभी भी मैन और वुमन का जो काम है उसको कभी भी अलग नहीं, वो कभी भी उसको भेदभाव नहीं करता है कि वुमन का काम अलग है, मतलब मैं, हाँ ये वुमन कर सकती है, ये वुमन नहीं कर सकती है, वैसा नहीं थे वो, उसको ये था कि वुमन और मैन एक ही, ये लोग एक ही काम कर सकते हैं, मतलब जो मैन कर सकता है वो वुमन भी कर सकती है। ओके, ठीक है, ही शेयर्स इक्वली विथ हिज वाइफ इन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फीडिंग द चिल्ड्रेन, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि ये अभी देखो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं दिखाई देता कि हस्बैंड और वाइफ इक्वली काम करते, ठीक है, लेकिन इसके खातिर हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है उसके डैड लेंथोई के, तो वो हेल्प करती है अपनी वाइफ को घर के कामों में, जैसे कि बर्तन होना, मतलब कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फीडिंग द चिल्ड्रन, मतलब कि खाना बनाना या फिर क्या बोलते हैं कपड़े धोना या बर्तन धोना, उसमें सब में वो हेल्प करता है। अभी एक तरह एक मीनिंग आएगा छोटा सा, कोरस का मतलब होता है कि रूटीन या फिर डेली वर्क। ओके, हैड ही नॉट शेयर्ड इन दिस एक्टिविटीज़ इन द वे द ही डज, हिज वाइफ वुडंट हैव बीन अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, अगर वो अपना जो है वो अपना अगर हेल्पिंग हैंड अगर वाइफ को नहीं देता था तो फिर वो इतना सक्सेसफुल नहीं होती थी जितना कि होना चाहिए था। ठीक है, अभी देखो ही होल हार्टेडली बिलीव इन इक्वलिटी रिस्पेक्टिव क्लास रिलीजन एंड जेंडर, ठीक है, अभी उसको वो जो है लेंथो के डैड वो हमेशा इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो हमेशा इक्वलिटी में बिलीव करते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ वुमन इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं क्लास रिलीजन और जेंडर के बीच में। ठीक है, इन इज डिस्कशन ही विद हिज डॉटर ही लेमेंट्स ओवर द ग्रेट इंजस्टिस डन इन द वुमन इन द सोसाइटी, ठीक है, टेलिंग अ माय डियर चाइल्ड द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन। ठीक है, जब भी डिस्कशन चालू था उस टॉपिक के ऊपर कि वो अभी रिप्रेजेंट करने जा रही थी ना एज अ स्पीकर सी रॉयल लिली हाउस में, तो वो भी उसके अभी उसके डैड के साथ डिस्कशन कर रही है, तो फिर डैड बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा सा दुख में बोलते हैं कि जो है वुमन क्या बोलते हैं दुनिया में अभी भी बहुत इनइक्वालिटीज है मैन और वुमन के बीच में, ठीक है, तुमको क्या बोलते हैं यू हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी, मतलब कि तुमको ये एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा मैन और वुमन के इक्वालिटी को क्या बोलते हैं मैन और वुमन के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, हर फादर वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लेंथोई एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट हर फादर हैज टोल्ड हर, मतलब कि उसकी जो उसके डैड के जो वर्ड्स है बराबर ना उसके कानों में अभी भी गूंज रहे हैं, तो वो जो सब था वो अपने मॉम को बता दिए। ठीक है, appreciative of her husband for his views, Ashanvi says your father is right, it no society do women enjoy the same opportunity enjoyed by men, ठीक है, अभी उसकी जो वाइफ है उसको अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि बराबर है मैन लोग सॉरी वुमन लोगों को उतना अपॉर्चुनिटी मिलता है जितना मैन को मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम, वो बोलते कि तुम्हारे डैड की वजह से जो मेरे को इधर कोई इनइक्वालिटी या फिर कुछ क्या बोलते भेदभाव का कुछ ये नहीं पढ़ने दिया साया, ठीक है, मतलब कि उनके रहते मेरे को कुछ ऐसे इनइक्वालिटी का फीलिंग नहीं आया। ठीक है, बट आउटसाइड ऑफ होम आई हैव सीन दैट अ वुमन बीइंग सब्जुगेटेड इन मेनी वेज, बराबर ना, सब्जुगेटेड और डोमिनेटेड, सब्जुगेटेड का मतलब क्या होता है डोमिनेटेड। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, गॉड हैज सेंड मैन एंड वुमन टू आवर अर्थ टू शेयर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ इक्वली, टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स एंड टू एंजॉय द बाउंड्री ऑफ नेचर, दिस इज व्हाई अ टॉपिक मीन्स। ठीक है, अभी देखो बोलते कि मेरे को तो घर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे जगह पे देखता हूँ कि वुमन लोगों को मैन डोमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो
उसको वो देख के बहुत क्या बोलते हैं, और वो मानता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सब है ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है। भगवान ने सबको इक्वल, सबको भेजा है इक्वली, मतलब सबको भेजा है इक्वली, अपना जो क्या बोलते हैं जॉयज और सोरोज, मतलब कि अपनी खुशियाँ और गम एक साथ, मतलब इक्वली शेयर करने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि वुमेन लोगों को ज़्यादा गम सहना पड़ेगा और मैन लोगों को कम, ठीक है। अभी देखो, एन्जॉय द शेयर इज ब्लेसिंग एंड एन्जॉय द बाउंटी ऑफ नेचर, मतलब कि ब्लेसिंग भी इक्वली शेयर होना चाहिए, ब्लेसिंग भी इक्वली शेयर होना चाहिए, और बाद में नेचर का जो बाउंटी है, मतलब कि जो नेचर के जो ये क्या बोलते हैं फ़ायदे बोलते हैं ना, उसको इक्वली शेयर होना चाहिए। दिस इज़ वॉट इज़ द टॉपिक बेस्ड ऑन, मतलब कि उसका ही वही टॉपिक का मेन मंत्र वही है, ठीक है। अभी देखो, इसमें अगर कुछ डाउट रहा तो आप जल्दी से पूछ लो एक बार ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, फिर हम लोग अभी आगे जाते। आशान भी नोज वेल दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल, वुमन हु आर हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस आर एज इम्पोर्टेंट एज मैन, शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स। आशान भी को पता है कि ह्यूमन्स के क्या बोलते हैं मैन और वुमन इक्वल होते हैं, ठीक है। वुमन जो कि हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस इज इम्पोर्टेंट एज मैन, मतलब कि वुमन जो आधा जो ह्यूमन्स का जो रेस है, मतलब कि ह्यूमन्स में आधे जो रहते हैं वुमन्स रहते हैं, बराबर ना, तो उसको उसको क्या बोलते हैं उसको इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। आर एस मतलब वो लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना मैन है। अभी देखो, वो आशान भी जो है वो अपने वो टॉपिक पे बहुत सारा टॉपिक लिखी है और बातचीत भी की है वो सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। हर डॉटर दो अ चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट हर मदर इज नॉट अ पर्सन ऑफ लेसर क्वालिटी देन हर फादर। अभी देखो, ऐसा तो नहीं है कि लेंथ, अभी देखो घर का परवरिश अगर वैसा ही है तो फिर बाहर का क्या करेगा, बराबर ना। अरे घर से ही उन लोग का शुरुआत हुई है, घर पे ही लेंथ हुई जो है वो अपने माँ बाप के बीच में कभी भी ऐसा बोलते हैं कि मैं डैड बहुत ग्रेट काम करते हैं, मेरे मॉम ऐसा कुछ नहीं करती है, डैड का हेल्प लेती है, ऐसा नहीं है। वो बोलते कि मेरे डैड और मॉम का जो काम है वो इक्वली है, मतलब उन लोग का जो क्या बोलते हैं उन लोग जो काम करते हैं वो इक्वल है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा या कोई कम करता है काम, ठीक है। She says the house is full of love with you, mother. बोलते कि हम लोग का जो घर है वो पूरा प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। The mother beams with joy at the words of her daughter. As a matter of fact, mother is the fountain of love in our family. बराबर ना। अभी देखो, मदर मतलब उसकी जो मम्मी है, बराबर ना, उसको उसकी तरफ क्या बोलते हैं beams, मतलब कि smile with बीज, मतलब कि क्या बोलते जॉयड, मतलब कि बहुत खुश हुई, क्या बोलते उसके मतलब बेटी के जो वर्ड्स है उसके ऊपर बहुत खुश हुई, ठीक है। और अभी देखो माँ, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मदर एक फाउंटेन ऑफ लव होता है, मतलब कि घर का जो परवरिश और प्यार जो मिलता ज़्यादातर वो मदर के थ्रू मिलता है। और क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑफ लव इज़ बिटवीन कंपेरिजन विद एनीथिंग एल्स इन वर्ल्ड, मतलब कि जो प्यार का जो बंधन है, बराबर ना, वो किसी बंधन से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। It is because that the motherhood has been glorified and woman accepted a challenge in life to become a mother. बराबर। अभी देखो, motherhood जो है उसमें लोगों ने glorify किया, मतलब उसने और बराबर और क्या बोलते हैं glorify किया, कि मतलब कि glorify का मतलब लिख सकते हो praise, मतलब कि और भी praise किया कि woman जो है accept कर सकता है challenges, जो माँ बनने का जो challenges है वो woman ही accept कर सकता है, ठीक है। Showing deep affection, Assam be continues pioneer of woman testify to equality of woman with men. ठीक है, pioneer मतलब a person who starts, मतलब कि जो beginner, मतलब जो शुरू करता है, किसी चीज़ की शुरुआत जो करता है उसको pioneer बोलते हैं। और pioneer woman testify to equality of woman with men. अभी testify मतलब कि टू प्रूफ, बराबर ना, ठीक है। जो woman शुरू कुछ चीज़ की शुरुआत करती है, बराबर ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं प्रूफ करते हैं कि वुमन और मैन इक्वल है। एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ मैन एंड वुमन, मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई भी सोसाइटी में मैन और वुमन नहीं रहना चाहिए, मतलब कि ऐसा तो कोई सोसाइटी नहीं होना चाहिए जिसमें मैन ना हो, या फिर ऐसा कोई सोसाइटी नहीं होना चाहिए जहाँ वुमन ना हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, उसके बिना कोई भी जगह बराबर से रहने नहीं वाला है। लेंथो हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायनियर वुमन, हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मैनी Stories of the brave queens like Linthongambi and Kuran Gyanami, ठीक है, who were as brave as kings, बराबर ना। अभी देखो, इसमें बहुत सारे उसके जो ग्रैंड मदर है उसने बहुत सारे क्वींस और किंग्स के बारे में बताया, क्वींस के बारे में बताया, जैसे कि Linthongambi और
कुरन ज्ञानमी, ठीक है, जो कि अपने वो जो उस समय के किंग्स थे उसके जितने ही ब्रेव थे. देर आर ऑल्सो मेनी ब्रेव वुमन अमंग कॉमन पीपल. दिस वुमन्स एंड एज अ ग्रैंड मदर नरेटेड वर मेकर्स ऑफ हाउस, फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन. ठीक है, जिन लोग वुमन लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि वुमन लोग ही मेन घर बनाते हैं. मतलब कि जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ब्रेव वुमन रहते हैं अपने कॉमन वुमन में जो है, जिन लोगों को क्या बोलते हैं लाइमलाइट नहीं मिलता है, मतलब कि उन लोगों को कभी जानता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो जिंदगी का संघर्ष है वो उससे लड़े जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे वुमन्स लोग भी है बहुत सारे सोसाइटी में. देवर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस, एट द सेम टाइम देवर ऑल्सो एडवेंचरस हु क्लेम देयर शेयर्स इन फ्री लैंड, प्लाट एंड रेस क्रॉप विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रोव कैटल्स. बराबर ना. अभी देखो सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस, सिविलाइजिंग मीन्स एजुकेटिंग इन्फ्लुएंस, मतलब कि कुछ कुछ वुमेन जो थे उस समय की वो एजुकेशन के प्रतीक थे. ठीक है, मतलब कि उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग एडवेंचरस थे, मतलब कि वो लोग एडवेंचर्स बहुत करते थे और लोग क्लेम करते थे अपने शेयर ऑफ, मतलब कि उन लोग में इतना पावर था कि वो अपना खुद का जो ज़मीन है उसके जो शेयर्स है उस पर वो लोग क्लेम करते हैं. ज़्यादातर वो मेंस करते हैं, लेकिन इस दर वुमेंस के बारे में भी बताया कि बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं जो अपना शेयर ऑफ लैंड क्लेम करते हैं, उधर खेती करते हैं, बराबर ना, और क्रॉप्स अपना जो क्या बोलते हैं फसल उगाते हैं और अपने ही क्या बोलते हैं हाथों से क्या बोलते हैं फार्मिंग करते हैं और क्या बोलते हैं गाय बकरी चलाते हैं, मतलब कि जो क्या बोलते हैं प्लाव करते हैं ना फील्ड को, प्लाविंग करते. मॉडर्न वुमेन है बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स. अभी जो मॉडर्न वुमेन है वो लोग क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉट्स है, बाद में पॉलिटिशियंस है, बाद में माउंटेनियर्स है, बहुत सारे मतलब माउंटेनियर्स भी है, जैसे कि बछेंद्री पाल, या फिर बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल ले सकते हो. नेचुरलिस्ट है बहुत सारे, एस्ट्रोनॉट्स ले सकते हो, कल्पना चावला ले सकते हो, सुनीता विलियम्स ले सकते हो. साइंटिस्ट है बहुत सारे, सोल्जर्स भी है, पॉलिटिकल लीडर्स है. दिस प्रूव दैट देर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमन एंड मैन आर क्रिएटेड इज इक्वल्स. मतलब इससे क्या पता चलता है कि ऐसा कुछ काम नहीं है जो वुमेन्स कर नहीं सकता है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या है कि वुमन और मैन इक्वली क्रिएट किया गया है. ठीक है, इतने में कुछ डाउट है तो कुछ समझा नहीं, आप कमेंट बॉक्स पर डायरेक्ट डाल सकते हो कि सर ये पैराग्राफ नहीं समझा है. ठीक है, और कुछ मीनिंग भी रहा तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए. ठीक, अभी लास्ट शायद से लास्ट पेज है ये. देन शी आस्क हर मदर फादर, देन शी आस्क मदर फादर, मदर यू हैव थ्रोन लाइट ऑन द इक्वालिटी ऑफ वुमन एंड मैन एंड वुमन एंड ऑल्सो हैव एम्फसाइज द वर्ल्ड इज स्टिल एन अनइक्वल वर्ल्ड. देन वॉट वुड आई लाइक टू नो इज इफ देर आर मॉरल, सोशल एंड लीगल प्रोविजन टू एनेबल वुमन टू एक्सप्रेस द फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल एंड टू सेट देम फ्री, देमसेल्फ फ्री फ्रॉम सप्रेशन. बराबर ना. अभी देखो ये तो अभी पता है कि वुमन लोग मतलब मैन, मम्मी ने उसके मॉम जो है उसने बताया कि वुमन और मैन इक्वल है. उसके ऊपर लाइट बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक को उसने क्या बोलते हैं एक्सप्लेन किया है. लेकिन क्या मैन और क्या उन लोग के पास कुछ ऑल्सो एम्फोसाइज द वर्ल्ड दैट इज स्टिल एन अनइक्वल वर्ल्ड. मतलब कि अभी जो एम्फोसाइज मतलब कि इम्पोर्टेंस दिया गया है ऐसे वर्ल्ड को कि दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एन इक्वल. और उसने क्या किया कि उसने उसकी मम्मी ने क्या बोला था कि मैन और वुमेन इक्वल है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला है कि उस पर भी स्ट्रेस डाला है कि जो दुनिया है वो अनइक्वालिटी अभी भी इक्वल नहीं है. बराबर ना. मतलब कि उन लोग अभी भी मैन को ज़्यादा मानते और वुमेन लोगों को कम मानते. ठीक है, लेकिन वो बोलती कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वुमन पे, मतलब कि मॉरल, सोशल और लीगल प्रोविजन टू एनेबल वुमन टू एक्सप्रेस द फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल. मतलब कि लॉ ही अपना जो लॉ है वो क्या अलाउ करता है ये सब कभी भी. मतलब कि ये बोल रहे कि लीगल प्रोविजंस टू एनेबल वुमन, लीगल मीन्स बाय रिलेटेड टू लॉ. ओके, मतलब कि जो वुमन का जो फिजिकल और मेंटल जो पोटेंशियल है वो क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है एंड टू सेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम सप्रेशन. मतलब क्या गवर्नमेंट ही अलाउ करती है वुमन लोगों को सप्रेशन से रिलीफ करने में. ठीक है, तो देखते हैं. अमर शेयर्स दिस क्यूरियोसिटी ऑफ अ डॉटर असानवी एड्स. ठीक है, वो बोलते कि और उसकी मम्मी जो है असानवी वो बहुत क्या बोलते हैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी कि उसका जो ब्रेविटी का जो क्यूरियोसिटी है, मतलब कि उसके जो क्या बोलते जानने की इच्छा है. ठीक है, उसको देखकर वो मम्मी उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा क्या बोलते खुश हो गई. देर आर मैनी अंडर द एगेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन देर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड इक्वलिटी इट इज द फॉलोइंग डायमेंशन. मतलब कि क्या बोलते एगेस मतलब विद द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. अभी देखो यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो
क्या बोलते हैं नया वर्ल्ड इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसमें कुछ डायमेंशंस है, मतलब उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ रूल्स है, वो देखते हम लोग। इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विस इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब कि मैन और वुमन को जो है उन लोग को बेसिक सोशल सर्विस जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन को एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं फैसिलिटी मिलना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन का। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब कि मैन जैसे डिसीजन बना सकते हैं वैसे वुमन्स भी, वुमन्स को भी इंक्लूड करने का है इन डिसीजन मेकिंग, ओके। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन, मतलब कि बराबरी का काम का बराबर इनाम, ठीक है। मतलब दो घंटे का काम का है, दो घंटे का मिलना चाहिए चाहे वो वुमन हो या मैन हो। और एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वायलेंस ऑफ वुमन, मतलब कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस होता है वुमन्स के खिलाफ उसको एलिमिनेट करने का है, ठीक है। देन द मदर कंट्रीब्यूट, माई डियर डॉटर वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट दैट मैन एंड वुमन आर इक्वल, मतलब बोलते कि मतलब उसकी जो मम्मी है वो बोलते हैं कि बेटी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के साथ साथ कि मैन और वुमन को इक्वल स्टेटस इक्वल माना गया है, ठीक है। लैंड तो ही अंडरस्टैंड व्हाट द मदर मींस एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मींस, ठीक है। लैंड तो ही कभी समझ में आया कि सिंपोजियम का टॉपिक क्या था और मम्मी क्या कहना चाहती थी। दस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रशेस आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन, ठीक है। अभी जो कॉन्फिडेंस, अभी देखो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुआ था, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्कस हुए थे उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस मिला था और वो दूसरे दिन क्या बोलते अपने मदर को थैंक करके वो अपने क्या बोलते घर से निकल गई। मतलब कि वो क्या बोलते वो जो कॉन्फिडेंस वो जो सिंपोजियम होने वाला था, ठीक है, उधर के लिए वो रवाना हो गई। और बाद में रशेस इन द रूम विद द ब्राइट मॉर्निंग सन द ब्लू स्काई मीट द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेंस दिस स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रायल विच विंस ऑफ द डिस्टेंट पर्पल माउंटेंस, मतलब कि अभी देखो जैसे ही वो जा रही थी तभी उसका उसका जो उसका भी वर्णन किया है कि ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ ईस्टर्न माउंटेंस, मतलब कि जो माउंटेंस है उसके ऊपर ब्लू स्काई पूरा मतलब पूरा ब्लू स्काई वो माउंटेंस के ऊपर रहता है, ठीक है। और स्मॉल गर्ल फैसिनेटेड बाय स्मॉल ट्रायल विच विंस अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेंस, मतलब कि जो पर्पल वो जो माउंटेंस उसका कलर बोला है पर्पल, बराबर ना। तो उसको वो छोटा सा एक ट्रायल मतलब कि बहुत ही छोटा हवा का झोंका आके वो पहाड़ों से उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो ये चैप्टर का एंडिंग हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर कोई कुछ समझा नहीं है, ठीक है, तो बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा, मतलब कोई भी लाइन भी नहीं समझा, कोई भी मीनिंग नहीं, छोटे से छोटे मीनिंग्स भी हो गए फिर भी आप लोगों को जवाब मिल जाएगा तुरंत ही तुरंत, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।